ये स्टोरी है 20 साल के एक ऐसे बच्चे की जो पार्टीशन के वक्त अपना सब कुछ छोड़ के भारत आया, जो पैसों की कमी की वजह से एक वक्त पर दिन के सिर्फ 1.5 रुपए के लिए काम करता था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर जिसने टाटा और बजाज जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को भी हरा दिया। आज 70% से ज्यादा बिजनेसेस सेकेंड जनरेशन आने से पहले ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में उसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपनी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 50,000 रुपए के लोन से शुरू हुआ ये बिजनेस आज 72,000 करोड़ का हो चुका है और आज इनकी कंपनी इंडिया में सबसे फेमस टू व्हीलर कंपनीज में फर्स्ट नंबर पर आती है। हम बात कर रहे हैं हीरो मोटरकॉर्प के फाउंडर मिस्टर ब्रिज मोहन लाल मुंजल जी की। ब्रिज मोहन लाल जी का जन्म 1 जुलाई 1923 को उस टाइम के पंजाब के तोबा तेग सिंह डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव कमालिया में हुआ था। आज की डेट में ये जगह पाकिस्तान में है। उनकी फैमिली एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली थी और वो 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। इसी कारण बचपने से ही उन्हें पता था कि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब साल 1929 में भारत में बहुत महामंदी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, जिसकी वजह से जो छोटे मैन्युफैक्चरर और किसान हैं उनकी हालत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मुंजल फैमिली की भी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई और ब्रिज मोहन लाल जी को 15 साल की एज में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पैसों की कमी के कारण उन्होंने एक नौकरी करी, जहां पर गन्ने के खेतों में जाकर उन्हें गन्ने के बंडल्स को काउंट करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें हर रोज धूप में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी बंडल काउंट करने में मिस्टेक नहीं करी, जिससे उनका सुपरवाइजर उनसे बहुत खुश था। लेकिन इससे इनकी ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी और इसके बाद उन्होंने एक फैक्ट्री में क्लर्क की जॉब स्टार्ट कर दी, जहां उन्हें महज 1.5 रुपए पर डे के वेजेस मिल रहे थे। 1942 में उन्होंने आर्मी कैंटीन स्टोर में 4 रुपए पर डे के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया और इसी दौरान उनकी संतोष नाम की एक लड़की से शादी करवा दी गई। 1944 में वो अमृतसर पंजाब शिफ्ट हो गए, जहाँ पर वो साइकिल की रिपेयर करते और उसके पार्ट्स को भी सेल करते। 1946 में काफी यूनिक इंसिडेंट हुआ। दरअसल उस साल अमृतसर में भारी बाढ़ आई थी और इसी वक्त साइकिल की दुकानें बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत चोरियाँ हुई, जिसमें मुंजल ब्रदर्स की दुकान भी शामिल थी, जहाँ पर बाकी सारे दुकानदार अपना सामान चोरी होने पर रो रहे थे। वहीं पर मुंजल भाइयों ने ये पता लगाया कि चोर आए कहाँ से थे और चोरों का पीछा करते करते वो आगरा तक चले गए और अपना मैक्सिमम सामान रिकवर भी कर लिया। अब तक तो वो साइकिल के पार्ट्स ही सेल करते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें असेंबली का काम भी करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने टीन के पत्रों का एक शेड बना दिया और उसके अंदर अपनी असेंबली लाइन स्टार्ट कर दी। साल 1956 में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें साइकिल बनाने का लाइसेंस इशू किया गया। उस वक्त पूरे भारत में मुंजल भाई जैसे 128 साइकिल प्रोड्यूसर थे, जिन्हें टोटल 2.5 लाख साइकिल बनाने का लाइसेंस मिला था। मुंजल भाइयों को लगा कि ये नंबर बहुत ही छोटा है, इसीलिए उन्होंने ये लाइसेंस लिया ही नहीं। वो चाहते थे कि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में साइकिल बनाए, जिसके लिए वो सेंट्रल मिनिस्टर मनुभाई शाह को कन्विंस करने दिल्ली चले गए। इन्हें कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मुंजल भाई भी कहां मानने वाले थे। फाइनली उन्होंने मिनिस्टर साहब को कन्विंस कर दिया, जिसके बाद 1956 में ही 50,000 का लोन लेकर उन्होंने अपनी पहली कंपनी को रजिस्टर करवाया और इस तरह 50,000 के लोन के साथ शुरुआत हुई इस महान कंपनी। कंपनी ने पहले साल तो सिर्फ 639 साइकिल ही प्रोड्यूस करी, लेकिन अगले साल ये नंबर बढ़कर 7,803 पहुंच गया, यानी 10 गुना से भी ज्यादा। और 1961 में इन्होंने 31,000 साइकिल्स बनाई। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें पता था कि अगर वो साइकिल्स बना रहे हैं तो अपने डीलर्स के साथ उन्हें रिलेशन भी अच्छे बनाने पड़ेंगे। जब ओम प्रकाश जी हीरो के लिए डीलर्स ढूंढ रहे थे, तब उन्हें कानपुर में एक डीलर मिले, जिनका नाम था बलदेव। बलदेव ने हीरो को 100 किट का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब बलदेव को ऑर्डर मिला तो उसके अंदर 104 किट थी, जबकि पैसे सिर्फ 100 के ही लिए गए थे। बलदेव जी को लगा कि जरूर मुंजल भाइयों से गलती हुई है और उन्होंने उनसे इसके बारे में बात करी। बात करने पर ओम प्रकाश जी ने कहा कि नहीं, हमने जानबूझकर 104 किट ही प्रोवाइड करी है। सिर्फ इस इंसिडेंट की वजह से बलदेव जी 50 सालों तक हीरो के साथ बिजनेस करते रहे और इसी नेचर की वजह से एक साल के अंदर ओम प्रकाश जी ने 500 से भी ज्यादा डीलर्स को जोड़ लिया, जिसकी वजह से वो उस टाइम के बड़े प्लेयर्स एटलर साइकिल से भी आगे बढ़ गए। मुंजल भाइयों को पता था कि आगे चलकर टेक्नोलॉजी ही उनकी मदद कर सकती है, इसलिए वो हमेशा एडवांस मशीनरी के लिए फॉरेन कंट्रीज में ट्रेवल करते रहते। एक बार जब वो जर्मनी गए तो वहाँ पर 3 लाख रुपए में चेन बनाने का उन्होंने पूरा प्लांट खरीद लिया, जिसके बाद देखते ही देखते 1968 में हीरो साइकिल्स ने 1.25 लाख साइकिल्स बनाई। इसके साथ साथ 1963 में उन्होंने इंडोनेशिया, केन्या, ईरान, इराक जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए और सरकार से एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी लिया। 1986 में सबसे ज्यादा साइकिल प्रोड्यूस करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और साथ में इन्होंने मोपेड भी लॉन्च कर दी, जो कि काफी बिकी। साइकिल के बिजनेस को सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाने के बाद उन्हें पता चल गया था कि इंडियन कस्टमर अब रेडी है टू व्हीलर्स के लिए,
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें स्कूटर बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त भारत में टू व्हीलर्स के लिए कोई उतना केपेबल नहीं था और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी उस वक्त यहाँ पर थी। इसलिए मुंजल जी ने फॉरेन कंपनी के साथ टाइप करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने उन कंपनीज को स्टडी करना स्टार्ट किया जो इंडियन मार्केट में एंटर करना चाहती थी। सब कुछ स्टडी करने के बाद उनकी निगाहें जापान की होंडा कंपनी पर टिकी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी व्हीकल कंपनी थी और उसके पास 100cc और उससे कम पोटेंशियल वाले इंजन थे। और ब्रिजमोहन लाल जी को यही चाहिए था, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियंस को लो फ्यूल और मेंटेनेंस वाले स्कूटर चाहिए। उसी वक्त होंडा ने भी एक पार्टनर के लिए इंडिया में अप्लाई कर दिया, लेकिन उनसे टाइप करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि होंडा के साथ काम करने के लिए 140 इंडियन कंपनीज ने अप्लाई किया था, जिसमें टाटा जैसे बड़े जायंट्स का भी नाम शामिल था। और हीरो जैसी छोटी साइकिल बनाने वाली कंपनी को कौन कॉन्ट्रैक्ट देगा। लेकिन ऐसा बाकियों ने सोचा था, मुंजल भाइयों ने नहीं। 3 साल लंबे ड्यू डिलीजेंस के बाद होंडा ने 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें हीरो और फिरोदिया ग्रुप शामिल थे। जब होंडा ग्रुप ब्रिजमोहन लाल जी से मिले, तब होंडा ग्रुप ने उनके अंदर होंडा के फाउंडर सुचिरो होंडा जैसा अप्रोच और एम्बिशंस देखे। होंडा को लगा कि सुचिरो और ब्रिजमोहन लाल जी की लाइफ स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ने अपने पापा के साथ बचपने में साइकिल बनाने का काम किया था। इसके अलावा सुचिरो की तरह ब्रिजमोहन लाल जी भी वर्कर्स के साथ फील्ड में रहकर खुद काम करते थे। कुल मिलाकर वो दोनों बहुत सिमिलर थे। जब होंडा वाले इंडिया आए थे हीरो का काम देखने के लिए, तो उनको एक चीज बहुत पसंद आई, और वो ये थी कि होंडा वाले जब हीरो की फैक्ट्री में घूम रहे थे, तो हीरो के एक भी एम्प्लॉई ने उनको घूरना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो सिर्फ अपने काम पर फुली फोकस थे, जिससे होंडा वाले बहुत इम्प्रेस्ड हो गए, क्योंकि एग्जैक्टली यही कल्चर होंडा की कंपनीज में भी था। डील को फाइनलाइज करने के लिए 1983 में लास्ट मीटिंग के लिए मुंजल जी को जापान बुलाया गया, जिसमें होंडा ने ब्रिजमोहन लाल जी को स्कूटर के बदले मोटरसाइकिल की पार्टनरशिप ऑफर कर दी, क्योंकि स्कूटर के लिए उन्होंने फिरोदिया ग्रुप को स्टेट किया था। होंडा का ये प्रपोजल बाकियों के एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग था, लेकिन काफी सोचने के बाद ब्रिजमोहन लाल जी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और 24 दिसंबर 1983 के दिन हीरो और होंडा ने ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट पर साइन किया, और 19 जनवरी 1984 को हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आई। 1984 में ब्रिजमोहन लाल जी ने पंजाब के बजाय अपनी फैक्ट्री हरियाणा के धरुधेरा में बनाई, जिसे हम आज NCR के नाम से जानते हैं। इसके 3 कारण थे। कारण 1, उस वक्त 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। कारण 2, ब्रिजमोहन लाल जी चाहते थे कि फैक्ट्री एयरपोर्ट के पास हो, ताकि होंडा के लोग जो जापान विजिट करने आते हैं उन्हें आसानी हो। और कारण 3, उस टाइम गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया में फैक्ट्रीज गांव में खुले, ताकि वहां के लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले। इससे पहले कि इंडिया में पहले से ही स्कूटर के बड़े प्लेयर्स शामिल थे, जिसमें एस्कॉर्ट्स और यामाहा बड़े प्लेयर्स थे। एनीवेज, 1984 में हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च करी, जिसमें 4-स्ट्रोक इंजन था, जिसकी वजह से ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बाइक थी। पहले ही साल इन्होंने CD100 के 40,000 यूनिट सेल करे, और 1996 में ये नंबर 2.7 लाख पहुंच गया। शुरू में मुंजल जी चाहते थे कि बाइक का प्राइस 10,000 रुपए से कम हो, इसलिए उन्होंने इसका प्राइस रखा 9990, लेकिन टैक्सेस और दूसरी चीजों की वजह से इसका प्राइस कुछ टाइम के बाद 13,000 रुपए कर दिया गया। 1995 में उन्होंने एक लेजेंडरी बाइक लॉन्च की, जो कि आज भी बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं। आई होप इस बाइक का नाम आप समझ गए होंगे। इस बाइक का नाम था स्प्लेंडर, जो कि हीरो होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। और 2001 में आते आते हीरो होंडा ने बजाज को भी बीट कर दिया। इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि जो जापानीज लोग जापान से इंडिया काम करने आते थे हीरो होंडा के लिए, वो अपने नाम के आगे मुंजा लगाते थे, ताकि वो ब्रिजमोहन लाल जी के प्रति लव और रिस्पेक्ट दिखा सके। ऊपर से देखने पर हीरो होंडा की सबसे सक्सेसफुल स्टोरी लग रही थी, लेकिन अंदर कुछ और ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। दरअसल जब शुरू में हीरो ने बाइक बनाने का सोचा था, तब उनके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम था, और वो था इंजन की टेक्नोलॉजी, और इसी वजह से उन्होंने होंडा के साथ टाइप किया था। जब हीरो और होंडा का कोलैबोरेशन हुआ था, तो उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें लिखा था कि दोनों कंपनीज एक दूसरे के सेगमेंट में एंटर नहीं कर पाएंगी। होंडा फॉरेन कंट्रीज जैसे कि रशिया और USA जैसे डेवलप कंट्रीज में सेल करती थी, जबकि इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हीरो अपनी बाइक इन कंट्रीज में नहीं बेच सकती थी। इंडिया के बाहर अगर हीरो को अपनी बाइक बेचनी है, तो वो सिर्फ भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में ही बेच सकती थी, जिसकी वजह से जो हीरो का ड्रीम था इंटरनेशनल बनने का, वो पूरा नहीं हो सकता था। इस वजह से होंडा इंटरनेशनल मार्केट की वजह से तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन हीरो के पास इंटरनेशनल मार्केट नहीं थी ज्यादा बाइक्स बेचने के लिए। हीरो को पता था कि अगर इसे इंटरनेशनल मार्केट में बाइक्स बेचनी है, तो उसे खुद का इंजन डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए हीरो को जो प्रॉफिट होते थे, उन प्रॉफिट को यूज करके हीरो ने खुद का इंजन बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी वो अग्रीमेंट के खिलाफ चले गए।
और साथ में ही होंडा ने अलग से मोटरसाइकिल और स्कूटर्स इंडिया की मार्केट में लॉन्च कर दिए। अब ये दोनों इस अग्रीमेंट के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए दोनों समझ गए थे कि अब विदाई का टाइम आ गया है। और 2010 में हीरो ने होंडा से सभी 26% स्टेक 3842 करोड़ रुपीज में बाय कर लिया और फिर ये दोनों अलग हो गए। जब ये दोनों अलग हुए तो सब लोगों को लग रहा था कि ये साइकिल बनाने वाली कंपनी अब कुछ ही साल में सिमट जाएगी, लेकिन हीरो के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। हीरो को इंडियन मार्केट और इंडियन सिटीजन के बारे में पूरी नॉलेज थी, वो जानते थे कि इंडिया को क्या चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्क्रैच से काम करना स्टार्ट किया। वन, सबसे पहले उन्होंने देखा कि उन्हें अपना रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट को एस्टैब्लिश करना है, इसीलिए हीरो के चेयरमैन पवन मुंजल जी ने इंजन डेवलपमेंट के लिए AVL के साथ और हाई एंड बाइक्स बनाने के लिए एरिक ब्यूएल रेसिंग कंपनी के साथ टाइप किया। सेकंड, निसान के फॉर्मर इम्प्लॉइज को उन्होंने हायर किया और जयपुर में अपना R&D यूनिट स्टार्ट किया। थ्री, अपनी वर्कफोर्स को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इंडिया के अच्छे अच्छे कॉलेजेस से यंग टैलेंटेड इम्प्लॉइज को हायर करना स्टार्ट कर दिया। फोर, वो चाहते थे कि हीरो को लोग एक सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में ना देखें, बल्कि उसे एक फीलिंग, एक इमोशन के रूप में देखें, और इसीलिए उन्होंने AR रहमान जैसे बड़े म्यूजिक कंपोजर्स के साथ मिलकर अमेजिंग सॉन्ग्स बनाए, जिसमें हम में है हीरो, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना, सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है तू, इन सॉन्ग्स को क्रिएट किया और इन्हें पब्लिक के लिए इजीली फ्री में डाउनलोड करने के लिए प्रोवाइड कर दिया। और देखते ही देखते हीरो ने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली और 33.2% मार्केट शेयर के साथ इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आ गए। और तो और, इसी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में उन्होंने 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया और साथ में जो उनका इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करने का सपना था उसे पूरा किया। आज हीरो 47 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है और जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में उनके R&D यूनिट्स हैं। दोस्तों, हीरो के इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करने वाले ब्रज मोहन लाल जी आज इस दुनिया में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 2015 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज उनकी बदौलत हीरो के 30,000 से भी ज्यादा इम्प्लॉयज का घर चलता है और इंडियन पॉपुलेशन को टू व्हीलर सेगमेंट में खुद एक स्वदेशी ब्रांड मिला है। टू व्हीलर सेगमेंट की इस रेवोल्यूशनरी स्टोरी को जानने के बाद अगर हम फोर व्हीलर सेगमेंट के रेवोल्यूशनरी ब्रांड मर्सिडीज बेंज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये मर्सिडीज बेंज वाली अमेजिंग स्टोरी देख सकते हैं। और हाँ, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है तो 200 से भी ज्यादा फ्री बुक समरीज हमने हिंदी में फ्री में अवेलेबल करवाई है, जिसे आप गीगल ऐप में जाकर सुन सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। जय हिंद।